Hello students. Today we are going to read the chapter number 13, surface area and volumes. सबसे पहले हम जानेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, फिर वॉल्यूम क्या होता है। आप जानते हैं बहुत सारे सॉलिड शेप्स होते हैं। सॉलिड शेप्स सबसे पहले आप पढ़े होंगे रेक्टेंगल, टू डायमेंशन, स्क्वायर, टू डायमेंशन। अब इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो पढ़ेंगे तो इसमें हम 2D और 3D के बारे में पढ़ेंगे। एक 2 डायमेंशनल फेस भी होंगे और 3 डायमेंशनल। जैसे ये जो हमारा डस्टर है, ये जो डस्टर है, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मीन्स इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट। और ये क्या है, क्यूबॉयड। क्या है, क्यूबॉयड। जो रेक्टेंगुलर बेस होते हैं उनसे जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूबॉयड। और जो स्क्वायर बेस है उनसे अगर 3D फॉर्म करेंगे वो क्या बनेगा, वो बनेगा क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्यूब और क्यूबॉयड के बारे में जानना है, फिर हम जानेंगे सिलेंडर के बारे में, फिर हम जानेंगे कोन के बारे में, फिर हमें जानना है स्फीयर के बारे में। तो हमारे पास जो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन्स ये हुआ जो भी सरफेस आपको दिखता है उसका एरिया। जैसे मैं अगर आपको ये डस्टर दिखा रहा हूं तो आपके पास जो है इसके कुल 6 सरफेस हैं, ठीक है, 6 सरफेस है। तो इन सब के एरिया का जब सम करेंगे तो वो सरफेस एरिया हो। जब हम इसके बारे में वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो ये कितना मेटेरियल लिया हुआ है कुल टोटल, या अगर कोई अंदर से खाली हो तो वो कितने स्पेस भर सकता, कितनी हवा है उसके अंदर, या कितनी क्वांटिटी या कितनी कैपेसिटी उसके अंदर पानी हो। जैसे बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये तो क्यूबॉयड शेप का है, तो क्यूबॉयड शेप का है तो उसके अंदर कितनी हवा है तो कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें, तो सरफेस एरिया में हम एरिया अलग अलग सरफेस का एरिया निकालते हैं, और वॉल्यूम के अंदर अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो हम क्यूबॉयड के अंदर है इसके अंदर कितनी हवा है, या इसके अंदर कितने हम छोटे छोटे सॉलिड शेप्स रख सकते हैं, ये भी हम वॉल्यूम के ही द्वारा पता करते हैं। तो आइए सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉयड। ये आपका क्या है, ये क्यूबॉयड। क्यूबॉयड है, इसमें लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी। सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो सरफेस एरिया जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है कर्व सरफेस एरिया। ये दोनों सेम होते हैं, नेचुरल और कर्व सेम होते हैं टोटल सरफेस एरिया। मतलब अभी आपको बताया है सरफेस एरिया बात करेंगे तो हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम होते हैं। और इसके बाद क्या आएगा, वो आता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल में डिफरेंस क्या है, कर्व हम जनरली यूज करते हैं कहां, जहां कर्व हो। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कर्व नहीं, कर्व का मतलब सिलेंडर, वो क्या होता है उसमें पूरा घुमा होता है, तो हम जनरली वहां कर्व यूज करते हैं। और लेटरल वर्ड यूज करते हैं हम क्यूब और क्यूबॉयड के लिए, जनरली दोनों सेम ही बात है। अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर कर दू तो सिलेंडर के लिए लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया, और उसी सेम चीज अगर मैं क्यूबॉयड के बारे में बात करूं तो क्यूबॉयड के लिए मैं लेटरल सरफेस एरिया लिखूंगा। अब देखो कर्व और लेटरल ये दोनों चीजें तो सेम हो गई, तो अगर इसके बारे में बात करूं तो मैं कौन से सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं ये आपको पता करना है। जैसे मैंने कहा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉयड, इसका मतलब ये हुआ लेटरल चारों तरफ ऊपर और नीचे को छोड़ के अगर हम बात करें तो लेटरल का मतलब
आपको बात जब भी किया जाएगा तो आपका टॉप और बॉटम इन दोनों सरफेस को आप छोड़ देंगे। लेटरल ये चारों तरफ। लेटरल का मतलब होता है बच्चे फोर वाइज, जो भी होगा वो फोर वाइज होगा, टोटल में फोर वाइज अब प्लस टू वाइज। इन दोनों को अगर आप हम इन सभी सरफेसों को ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आता है, और कर्व सरफेस एरिया में बात करेंगे या लेटरल में बात करेंगे तो फोर वाइज जब भी बात करेंगे तो ये तो आपको याद रखना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया हम इसके लिए वर्ड यूज नहीं करेंगे, अगर लेटरल अगर किसी भी कर दिया तो गलत नहीं है, लेकिन जनरली इसके लिए लेटरल वर्ड यूज करते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया होता है ये क्या सेम है बच्चे, क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का क्या होगा, तो क्यूबॉइड के लिए होगा क्या फॉर्मूला बनेगा, क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया आप इसे जनरली आप निकाल सकते हो, देखो ये से आइडेंटिकल होगा, ये से आइडेंटिकल होगा, मतलब दो दो टर्म आ रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है टू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये आपके पास होता है लेटरल सरफेस एरिया आपकी बार। अगर हम टोटल के लिए बात करें ये होता है टू इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया आपकी बार। तो इसी तरीके से सभी के फार्मूले आपको दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। क्यूब आयत में ये फार्मूला बनेगा, क्यूब क्यूब के लिए आपके पास क्या होगा, क्यूब आप जानते हैं इनके सभी डायमेंशन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होगी, मतलब इसके लिए आपके पास साइड अगर आप लेते हो ये भी वैल्यू आपके पास ए होती है, ये भी ए होती है और ये भी ए होती है, तो अगर तीनों सेम है क्यूब में तो इसका अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ये क्या होगा, क्यूब के लिए, क्यूब के लिए क्या होगा 4 इनटू साइड स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेस होता है 6 इनटू साइड स्क्वायर। तो ये आपको 13.1 एक्सरसाइज में इन्हीं दोनों का यूज है, अभी फिलहाल इन्हीं दोनों फार्मूले को हम लेके चलते हैं, जब आएंगे फार्मूले यूज किया जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड, 1.25 मीटर वाइड एक प्लास्टिक बॉक्स। बच्चे जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एक इमेजिनेशन रखिए, यहाँ एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लेंथ दे दी गई, आप जिस रूम में बैठे हैं उसी रूम को इमेजिन कर लीजिए, वो प्लास्टिक बॉक्स है और आप उसे करें। 1.5 मीटर लॉन्ग हो गया, 1.25 मीटर वाइड हो गया, 65 मीटर डी मतलब हाइट आपको दे दिया गया। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, क्या क्वेश्चन बता है, इट इज टू बी ओपन एट टॉप मतलब टॉप खुला है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स को बनाने में कितना एरिया लगा, द कॉस्ट ऑफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर और लिखा है 20 मीटर। अब आप खुद ही देखिए कि प्लास्टिक बॉक्स आपको बनाना है, बॉक्स तो उस बॉक्स को जब आप बनाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बॉक्स में टॉप खुला हो, मतलब आप कितने सरफेस का यूज कर रहे हैं ये थोड़ा एक बार ध्यान दें। तो बॉक्स बनाएंगे तो चारों तरफ से हो गया फोर वॉल, और नीचे का बॉटम का आपके पास एरिया होना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी दो फार्मूले यूज किए उसमें लेटरल आपने यूज किया था वो होता है फोर वॉल का, टोटल यूज किया था वो होता है 6 वॉल का, और क्वेश्चन में पूछ दिया 5 वॉल का, तो या तो 6 में से 1 माइनस करें या 4 में 1 प्लस करें, तो हमें 6 में से 1 माइनस करना बड़ा लग रहा है, हम 4 में 1 क्या करेंगे प्लस करेंगे, मतलब आपसे कहा गया है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका जो है डायमेंशन दे दिया गया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी गई है 1.5 मीटर लॉन्ग और 1.25 मीटर वाइड, और आपके पास 65 मीटर डीप
5 सेंटीमीटर। हम शुरू को करने के पहले ये एकदम ध्यान रखेंगे, यूनिट मीटर मीटर सेंटीमीटर, मतलब इसकी यूनिट को चेंज करना कंपलसरी है। तो इसकी यूनिट को अगर हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.65 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए, तो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में यूज करेंगे हम 5 सर्फेस। तो हमें पहला क्वेश्चन इसका पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया ऑफ शीट, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन में साफ कहा था कि इसका जो टॉप होगा वो नहीं होगा, मतलब एरिया 4 बार, एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का जो एरिया है एरिया 4 वॉल्स। फार्मूला 2 L + B × H और एरिया बेस का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए, 2 लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25, हाइट 0.65 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपके पास कितना है 1.5 × 1.25। सभी यूनिट सेम है, मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये सेंटीमीटर में दिया था मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 65 × 2 जब आप यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लेस पे डेसिमल 1.3, और ये हो गया 3। और इन दोनों का मैंने यूज किया, इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2.75 प्लस इसका यूनिट कर लेते हैं तो 15 × 5 = 75 और 15 × 12 = 187 इसका यूनिट कर लेते हैं ये हो जाएगा 13 × 5 = 65 हो गया कैरी, और 13 × 7 = 91 ये होगा 97, 9 कैरी है, और 13 × 26 ये हो जाएगा 35 2 + 1 = 3 + 1 decimal और ये हो गया 1.875। चलिए इसको प्लस करते हैं, 5 × 5 = 0 7 × 7 = 14 1 15 1 8 × 5 = 13 1 14 और 3 × 2 = 5। अब आपके पास आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया एरिया के बारे में बात करेंगे तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इतना एरिया लगेगा उस कंटेनर उस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में। आगे लिखा हुआ है कि उसका कॉस्ट, तो ये है आप निकाल सकते हैं सेकेंड पार्ट को, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है कॉस्ट, तो आप निकालिए कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। इज इक्वल टू 5.45 ये मीटर स्क्वायर, और एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इसमें दिया है 20 से यूज कर दीजिए और ये हो जाएगा 0 45 2 9 2 5 10 2 प्लेस पर डेसिमल लग गया और ये आ गया बच्चे 109 मीटर स्क्वायर। वो आप क्या करेंगे, इसको बनाने में खर्च करेंगे। तो ये देखो, इससे पहले क्लास 8 में आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा, वही अलग हो गया सरफेस एरिया को वालों, उसमें भी आपने सेम यही चीज़ को फाइंड किया, लेकिन इसमें चैप्टर का नाम ही एक दिया और 8 तक इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता था, मेंसुरेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है और वाई पास करना है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेंथ दिया, ब्रेथ दिया और हाइट दिया है रूम का, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाई पास आपको वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। बता दिया आपको सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 2 L + B और H + L × B,
मामला क्यों आपको मिलेगा? आपको साफ क्वेश्चन में लिखा है, पहले क्वेश्चन के ही जैसा है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, 3 यूनिट सब मीटर में, कोई डाउट नहीं है। आपको कह रहा था कि 4 वॉल्स को पेंट करना है और छत को पेंट करना है, कुल कितना एरिया, कुल कितना सरफेस हुआ, 4 वॉल को 4 सरफेस और 1 रूफ है, एक हो गया, एक सीलिंग है तो एक हो गया, कुल 4 और 1 कितना हो 5, और 5 सरफेस का ही फार्मूला है जो कि आप पहले क्वेश्चन में लगाया, तो पहले भी जैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये साफ लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरिमीटर, आपको पेरिमीटर दे दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा है रेक्टेंगुलर हॉल का पेरिमीटर, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू, आपको दे दिया गया 250 मीटर। पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल जो दिया हुआ है इसका भी फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, पेरिमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2l + b × h, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है। और आगे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे माने जाते हैं। अब तुमको मैंने, या सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको पेंट करने के लिए दिया और मैंने पेंट करने के लिए 100 रुपये दे दिया और वो पेंट करके चला गया। किसी ने पूछा कि भाई कितने रुपए रेट दिए, हमने कहा 10 रुपये। तो अब ये बताओ कि 10 रुपये के रेट से वो पेंट कर रहा, मैंने 100 रुपये दिया, तो कुल कितना मेरा एरिया होगा, तो 100 / 10 = 10, मेरा एरिया कितना रहा होगा, 10 ही रहा होगा। अगर 120 दिया और 10 रुपये की रेट से है तो 12 मीटर इस तरह मेरा एरिया। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया, इस क्वेश्चन में दिया गया 15,000 रुपये हमने दे दिया और 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर वो पेंट कर रहा है, तो 15,000 रुपये आपने दिया, 10 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करो, आपका एरिया निकल जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप निकाल दीजिए एरिया, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, टोटल टोटल आपने दिया कितना, टोटल 15,000 रुपये आपने दिया, 10 रुपये की रेट से आपके पास एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास पेरीमीटर है और क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, पेरीमीटर, पेरीमीटर जो से ये होता है 2l + b, ये x और इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू कितनी है, 250, 250 × height = 1500, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी height = 1500 / 250, 0 0 कैंसिल, 25 6 जा, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर।